जाबो जोर ने मेरा भी निताल ने निताल मैं किले दियो आयो बोझू भी निताल। ये पीछे आप फौज देख रहे हैं, ये नाई गांव की फौज है जो पर्यावरण संरक्षण में काम कर रही है और इस तरीके के चाल खाल उन्होंने बहुत ज्यादा बनाए हैं। ये छोटा सा कस्बा है मोरनौला। मोरनौला ये सामने जो सीधे रोड है ये जा रही है लोहागढ़ चंपावत देवीधुरा जैती और ये चली गई आपकी धानाचुली की तरफ जहाँ से हम आ रहे हैं। आले का पेड़ बोलते हैं आला बाला। सब्जी इन्हीं की बनेगी, पत्तियों की नहीं बनेगी? नहीं, इन्हीं की बनेगी जो ये तोड़ है। अच्छा अच्छा, हरा हरा इतना स्वाद। और सब्जी का टेस्ट कैसा होता है? अरे गजब क्या टेस्ट होता है, इसे खा के देखो एक बार। बस एक बार खाला तुम खोला यार। और इसके बाद तो बिच्छू की तरह एक घास होती है, आला कहते हैं इसको, आला। तो इसकी सब्जी बनाई जाती है। बिच्छू इसे पेट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ये पेट के लिए इतनी बढ़िया चीज़ है, पेट के लिए बहुत बढ़िया कि पेट बिल्कुल साफ रहता है। ये है इसके कंडाली की तरफ, वो नहीं लगते हाथों में? लगते हैं, लगते हैं। तभी तो धीरे धीरे इसलिए धीरे धीरे तोड़ रहे हैं इसको। उतना नहीं लगता जितना कंडाली लगती है। हाँ, जो सड़क है वो चली गई भेड़ा पानी और जो नीचे वाली सड़क है वो जा रही है नाई की तरफ। सड़क थोड़ी ख़राब है, कई जगह बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं तो ज़रा संभल कर चलना पड़ता है। और ये ऊपर है जो भेड़ा पानी गांव है। ये पूरा है कच्चा रास्ता जो करीब 3 किलोमीटर का है, पूरा कच्चा रास्ता है। दोस्तों नमस्कार, आज हमारा रूरल टेल्स का सफ़र पहुंचा है नाई गांव। बरसात में अगर वृक्षारोपण न हो, वो भी पहाड़ों में, वो भी इन इलाकों में, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस गांव की क्या खासियत है वो आगे बताएंगे, लेकिन इस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत काम हो रहा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का, पर्यावरण संरक्षण का, पानी बचाने का। वो काम कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ा, ये आगे बताएंगे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं वृक्षारोपण करने। सब कौन सा पौधा है ये? ये वज्रदंती, इससे जो है पेस्ट बनता है, दवाई कई चीज़ों की दवा बनती है इसमें।
ये ब्राह्मी है, ये याददाश्त बढ़ाने की दवा बनती है इससे, इसकी सर्वांग यूज किया जाता है इसका, सभी चीज जड़ भी तना भी पत्ती। लेकिन ये ऐसा होने नहीं दे रहा, ये जी ये होने नहीं होने दे रहा, जो है हम इसको हटा रहे हैं जो ना, ये इसलिए हटाना चाह रहे हैं इसको। इसकी जो है ये घरेलू यूज में भी काम आता है, इसकी जो हमारे डंडे बंडे बनते हैं जो ना वो भी बनते हैं। इसका जो फल होता है, इसके फल से हार्ट के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा जैम तैयार किया जाता है। आप कभी मतलब कशा लेक में जाएगा, वह गृह उद्योग खोला है ना, वहाँ आपको जैम मिलेगा इसका। अब ये जो प्रजाति है हमारे यहाँ, ये प्रजाति इसी के कारण ख़त्म हो गई, आग लगती है ख़त्म हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े वो होते हैं इसके। ये है, ये है कंठकारी, ये दमा और जो है श्वास रोग के लिए इसके जो दाने निकलते हैं, दाने आते हैं, बीज आते हैं, गोल गोल टाइम होता है, श्वास और दमा के लिए फायदेमंद है ये। वो होते हैं ना, वो खाते हैं इसके दाने जब गिरते हैं ना ऊपर पक के, चिड़ियों के लिए जो तोता होता है। ये पीछे आप फौज देख रहे हैं, ये नाई गांव की फौज है जो पर्यावरण संरक्षण में काम कर रही है, और इस तरीके के चाल खाल उन्होंने बहुत ज्यादा बनाए हैं अपने गांव के ऊपर जो जंगल का हिस्सा है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है पिछले कई सालों से इस पूरी बेल्ट में जो जंगल था चीड़ ने अपना कब्जा कर लिया था, और अब गांव वाले जो जंगल है उसको फिर से जो मिक्स्ड बांज बुरांस तमाम जितने भी पेड़ हैं उनको लगा रहे हैं, उसके अलावा चाल खाल बना के वाटर को कंजर्व भी कर रहे हैं। जंगली जानवर खाते हैं, जैसे तोता हो गया, ये कौवे हो गए, चिड़ियाँ कई प्रकार की चिड़ियाँ इसको खा के पलती हैं, हमारे जंगली जो चिड़ियाँ होती, और जैसे ज़मीन में गिरेगा जो ये हमारे घोड़ काकड़ वगैरह होते हैं ना, हिरन वगैरह, वो भी खाते हैं इसको। अयार का पेड़, हाँ अयार का पेड़, इनको इनके दाने गिरते हैं ना, इनको खाते हैं। ये अपने दम से, मतलब ये जागरूकता, चंदन जी ने जो है एक जागरूकता की जंगल की, भाई हम जंगल को बचाएं, काटने से बचाएं, जो चौड़ी पत्ती है इसको बचाएं। ये उद्देश्य है सर, ये जो है पानी का संरक्षण करता है, इसमें खुद भी ऑटोमेटिकली जहाँ पर भी ये उद्देश्य की तैदा ज़्यादा होगी वहाँ पर ऑटोमेटिकली पानी के स्रोत को पैदा कर देता है, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है इसके जड़ से, ऑटोमेटिक इसमें पानी की मात्रा होती है जड़ में, संरक्षित करता है पानी को। कहते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए आपने क्या किया, अगर आपसे पूछा जाए
तो आप क्या बताएंगे। लेकिन चंदन नयाल जैसे लोग हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। चंदन भाई, कैसे काम हुआ, आप लोग बिना सरकारी मदद के कर रहे हैं सब कुछ? जी बिल्कुल, पूरी बिना सरकारी मदद से जो पिछले 6-7 वर्षों से जो हम कार्य कर रहे हैं वो बिना सरकारी मदद से, किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं, किसी प्रकार का कोई हमारा कोई एनजीओ नहीं, तो सभी जो है अपने ही प्रयासों से और सब युवा साथियों के और गांव के लोगों के प्रयासों से ये कार्य चल रहा है। कहाँ पर है ये गांव, कितनी दूर है नैनीताल से? नैनीताल से लगभग 106 किलोमीटर की दूरी पर है। नाई गांव और एक भीड़ापानी जो एरिया है उसके बीच में है, एक चामा तोक चामा पड़ता है। तो इस तोक चामा में जो है हम लोगों ने एक जो ये कार्य प्रारंभ किया, शुरुआत में जो है हम लोगों ने अलग अलग जगह जाके वन पंचायतों में वहाँ प्लांटेशन का कार्य किया, और उसके बाद हमने सोचा कि यार अपने ही क्षेत्र में जो है हम लोग, क्योंकि यहाँ पर पानी की भी काफ़ी समस्या होती है, पूरा चीड़ का जंगल है, और उसके बाद हमारी जो महिलाएं हैं उनको घास के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो हम लोगों ने यहीं अपने नज़दीक में जो है गाँव के नज़दीक में जो है एक जंगल तैयार करने की कोशिश की। क्यों ज़रूरत पड़ी और क्या आप लोगों ने प्लांटेशन किया है, मतलब कौन से पेड़? ये ज़रूरत जो है हमें जो हमारे नज़दीक में जो है हमारा नौला है और हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो नीचे हैं इसके, तो हमने उसके कैचमेंट एरिया में सोचा कि भाई यहाँ पर चाल खाल भी बनाए, खंतियाँ भी बनाए, ताकि यहाँ जो पानी है वो यहीं रुक जाए और जो है हमारे नीचे जो नदी और नौले हैं वो रिचार्ज हाँ। और उसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर चौड़ी पत्ती के और चारा पत्ती के फलदार जो है हमने पौधे यहाँ पर लगाए हैं, ताकि जैसे आपके रीठा है, आपका जो है हमने बांज है, खरसू है, पांगर है, और आपका मेल है, तो ऐसे कई जो जंगली जानवरों के लिए, चिड़ियाओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए जो यहाँ पर पौधे हैं जिनसे उनको फल मिलता है, वो सारे पौधे जो है हम लोगों ने यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो एक बात बता दूँ मैं आपको कि जो गाँव वालों ने जो मेहनत की है, अगर उसको सरकार करवाती काम वृक्षारोपण या चालखाल बनाना, तो लाखों रुपये खर्च होते, लेकिन ग्रामीणों को पता है कि उनको क्या चाहिए, और अगर ग्रामीण ने खुद ठान ली है तो वो अपने जितने भी नौले हैं या जितना भी उनका वाटर रिसोर्सेज हैं उनको पुनर्जीवित करके ही रहेंगे, ये ठान लिया आप लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये हमने बांज का पेड़ लगा दिया है। बांज की खासियत क्या होती है चंदन भाई? देखिए, वाटर कंजर्विंग के लिए और जो है सबसे फायदेमंद पेड़ है, खरसू है, खरसू। ये भी वाटर कंजर्विंग के लिए बांज की प्रजाति है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। ऐसी बांज की कई सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही है, तो हमने यहाँ पर बांज और खरसू को ही जो है मुख्यता दी है, प्रमुखता दी है कि हमारे नीचे वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारा नीचे जो हमारे गाँव का पानी है वो रिचार्ज होकर के, तो हमने इस जो इसके कैचमेंट एरिया में है इसमें जो है हम लोगों ने इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इसका सबसे बड़ा दुश्मन चीड़ है, चारों तरफ चीड़। जी 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 बिल्कुल, और क्योंकि इस वाले एरिया में पूरी बेल्ट में चीड़ है, तो हमने जो है इस एरिया को एक लेके जो है इसमें हमने पूरा बांज और इसका खरसू का ही प्लांटेशन जो है किया हुआ है यहाँ पर। मूंगफली भी होती है, ये मूंगफली के पेड़ है इसको। हाँ, ये देखिए, ये है मूंगफली, ये मूंगफली आप दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये मूंगफली ऊपर निकालो पूरा इसको, ये पूरी मूंगफली, ये आ गई आपकी मूंगफली, ये देखिए, ये तैयार होने में भी कितना समय लगेगा? बस ये वैसे तैयार हो चुकी है, इसमें थोड़ा लोकल मिर्च, लोकल दाल, सब्जी,
ये पूरा देवदार का एक पैच बन जाएगा फिर। ये पैच है देवदार का, ये हमने इसीलिए बनाया कि देवदार वनी टाइप में एक छोटी सी ना हमारी वो बन जाए। ये बांज की नर्सरी ये तैयार की गई है, बांज के पेड़ हैं देखिए। दोस्तों माल्टे का बहुत उत्पादन होता है यहाँ पे, देखिए माल्टा ही माल्टा है और ये अक्टूबर नवंबर में तैयार होते हैं। बुजुर्गों से ज़रूर बातचीत करनी चाहिए, गांव में जब भी हम जाते हैं तो हम आमा से बात करें। आमा आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम आनंदी देवी। कितना बदला गांव? कितना गांव तो बहुत बदल गया है, बहुत बदला। जब आपकी शादी हुई थी तब क्या था यहाँ, कैसा था? कुछ नहीं हुआ, मेरे शादी होने गए कुछ नहीं हुआ, सब पेड़ बहुत सब कटी हुई थी। हाँ। और फसल पानी कमे हुई। फसल क्या क्या हुई तब? फसल मडुआ काकुनी। हाँ। सब चीज़ हुई थी, दाल गोद भट और सोयाबीन सब चीज़। और अब? अब थोड़ा थोड़ा होना पे कमे होना, अब अगला खुबी बदलाव होगा। बदलाव? हाँ। दिक्कत सबसे ज़्यादा? हाँ दिक्कत सबसे ज़्यादा। किस चीज़ की? सड़क की? हाँ सड़क की ज़्यादा, सड़क की तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। रोड की दिक्कत है यहाँ, रोड आधी अधूरी बनी है अभी। हाँ अधूरी बनी है, परेशानी हो रही है रोड की, बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ माल ढोलते हैं या किसी समय गाड़ी आती ही नहीं है, रोड उधर जाती है फिर सजने जाते हैं वहाँ। पेड़ आपने भी लगाए? हाँ मैंने भी लगाई। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65 साल की है। 65 साल की उम्र में जो अम्मा है वो पेड़ लगाने जाती हैं। हाँ हाँ। बच्चों के लिए, अपने बच्चे नाती बच्चों लिए, वो हाँ। उनके लिए गांव बहुत हाँ, खूबसूरत हाँ, रहे हाँ, अच्छा लगे हाँ। अच्छा कुछ कहना चाहती हैं आप जो आपके मन में होगा? कुमाऊनी में बोलिए, कुछ भी जो आपके मन में है हाँ। खेती बाड़ी के लिए, जंगल के लिए, पानी के लिए। पानी के लिए परेशानी है, पानी ले कम है, अब बारिश पानी हो गया तो नान फसल पानी है ही नहीं रहे, खेत बाड़ी बहुत कम होने रहे, हम अब काम करते ही रहे आज तक, बस काम लगातार लगातार है। अम्मा कह रही है कि मेहनत बहुत लगती है और जितनी मेहनत हम करते हैं अगर सड़क हो हाँ, पानी की समस्या ना हो तो वो हमारी मेहनत का हमें नहीं आती, दोगुना मिल जाएगा अगर ये सब चीज़ें, लेकिन नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। अम्मा नमस्ते, नमस्ते जान, नमस्ते, आओ ऊपर आ जाओ जरा। अम्मा को आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम कोठी नयाल। नयाल जी बताइए गांव के बारे में। गांव के बारे में क्या साहब, यहाँ सब समस्याएं हैं, आज ही कोई रोड की है हाँ। ना आ जाए तो पहले में डामीकरण हो जाए तो और भी अच्छा है। बर्फ पड़ती है? बर्फ काफ़ी पड़ती है साहब। तो उस समय आप लोगों को दिक्कतें होती हैं क्योंकि ऊपर भी बर्फ पड़ती होगी? हाँ ऊपर भी बर्फ पड़ती है साहब। बेड़पा को बार मासा अनरण का फल पाको चैता मेरी चैला
जासी तेले गोली मारी धन मेरी साथी हो नरल का फल पाको ते तो अब नून में क्यों नहीं करी पढ़ाई है? पढ़ाया नहीं माँ बाप ने? नहीं, वो उस दिनों तो कहाँ पढ़ाई होती है। हाँ। अच्छा, लेकिन नॉलेज आप जान आपको सब पता होगा जंगल के बारे में है ना? फिर बताइए जरा आप की बात हो ना दर निकाटा निकाटा के काटी देने बाल बाल पेड़ों का दन का जना आप क्यों कर नो या आप कह मानन ने मैं तेरे को ने तू बुरी थे धक्के ले जाने होए तो हम कह रही हैं कि अगर वो किसी को रोकती हैं जंगलों में कोई पेड़ काटता है उनका तो उन्हीं को धक्का देते हैं कि तब तू बुरी होगी यहाँ से जा ये कह रही हैं होए अब मानना ने कत्तू कह तो तार पेड़ों ने काटा तुम जैसी के तो तुम बढ़ना था उसी के पेड़ बढ़ना नहीं अब एक ने मानन मैं तो कहनी दस्त बुरी भाई तुझे बचाने से पेड़ कौन कौन से हैं बहुत पेड़ से काफल से बुराई से बहुत पेड़ से होए पहिया खरु बाज थे पेड़ पूरा नाम आपका क्या है मेरा नाम मतिमा देवी मतिमा देवी हाँ मतिमा देवी भले ही अनपढ़ हो लेकिन नॉलेज उनको हमसे भी ज़्यादा है क्योंकि जंगलों के बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं है जितना इन बुजुर्गों को है और ये अभी भी उन जंगलों से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे आपने रैणी गांव में चमोली में सुना होगा जब पेड़ कटने लगे थे तो गोरा देवी ने उन पेड़ों पर चिपक गई थी कि ये पेड़ नहीं कटने देंगे कुछ ऐसे हर गांव में महिलाएं होंगी सही कह रहा हूँ कौन हम बटा गए सजुला बटा में ढोंगी जाने नंजन मंजन सारा नाम मानना ने अब बुरा को क्या मानना ने सच्ची ना सो ये निकला के उन बैग हम दिखा बैग चिकर लला बुढ़ बड़े हो गए दिन फिर नहीं मानन बे हम परेशान है हम हमारी उन बात नहीं सुनन हरे तुम कहाँ बे आ गए जाते रहने हम गए उन अम्मा ने क्या क्या बोला अगर आपकी समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा ठीक है हो अब हम चलें हो जाए पे वन भूमि सचिव विभाग में कार्यरत था पहले उस समय मेरे पास पौधे उपलब्ध थे नर्सरियों से तो चंदन जी ने मेरे से कहा ताऊ जी मुझे कुछ पौधे चाहिए मैं पर्यावरण के लिए जागरूक हूँ तो मैं कुछ मुझे पौधे दें आप मैंने कुछ व्यवस्था करके सर चंदन जी को पौधे दिए तो उन्होंने उन पौधों का बड़ा अच्छे ढंग से सदुपयोग किया और उन्होंने उनको यहाँ ला के लगाया भी उन्होंने तो मुझे भी उसमें बड़ा हर्ष हुआ सर मैंने भी जो मैं भी चाहता था वही हुआ। नाई और पंतोली ग्राम सभा के लोगों ने जो मुहिम छेड़ी है वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बड़ा अभियान बनकर सामने आएगी क्योंकि इन इलाकों में पेयजल संकट था इन इलाकों में चारा पत्ती का संकट था और धीरे धीरे जिन पेड़ों को लगाया जा रहा है वो भविष्य में जब बड़े होंगे तो ये जितने भी संकट इस इलाके में हैं वो खत्म होंगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको नाई आना है इस गाँव आना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में चंदन सिंह नयाल जो पर्यावरण के एक अच्छे जानकार के रूप में इस पूरे इलाके में उभर रहे हैं उनका नंबर भी दे दूंगा। आप यहाँ आइए अगर देखना है इस इलाके में वो कैसे काम कर रहे हैं क्योंकि ये इलाका सर्दियों में इस इलाके में अच्छी बर्फ़ पड़ती है और जो नाई और पंतोली का इलाका है वो थोड़ा नीचे है वहाँ भी बर्फ़ पड़ती है लेकिन ये पूरा इलाका सर्दियों में बर्फ़ से ढक जाता है यानी बर्फ़ की सफ़ेद चादर यहाँ पूरी बिछ जाती है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।